तो हमारा जो मेन्यू है वो डिजाइंड है यूनिक वे में जो सबको केटर करता है। और आपको कोई भी अगर फ्रेंचाइज की अपॉर्चुनिटी हो, आपको इंटरेस्ट हो ब्रांड में, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट गुरदीप जी एंड यू कैन टेक थिंग्स फर्दर फ्रॉम देयर। मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्लाउड किचन के क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम डाइनिंग एंड QSR से अगर इसको कंपेयर करें। ऑल्सो हम सेंट्रली मैन्युफैक्चर करते हैं अपने मोमोज एंड डिमसम्स और स्प्रिंग रोल्स और बाव। ग्रॉस की बात करें तो अराउंड 70% तक ग्रॉस मार्जिन पाया जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है फिर से फ्रेंचाइज पीटा के यूट्यूब चैनल में। और आज की अपॉर्चुनिटी एक बहुत खास अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले क्लाउड किचन बेस्ड एक फ्रेंचाइज मॉडल की, जो कि आपको जो है पैन इंडिया के लिए मिलने वाली है, वो है तासीम की फ्रेंचाइजी। जी हाँ, ये तासीम जो है एक ब्रांड है जो कि पैन एशियन फूड्स में कुजीन में जो है डील करते हैं। तासीम एक जो है क्लाउड किचन बेस्ड फ्रेंचाइज मॉडल है जो कि फ्रेंचाइजी आपको पैन इंडिया के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले अपने गेस्ट को मैं वेलकम करना चाहता हूँ, मिस्टर तमेश जी को, जो कि तासीम के फाउंडर एंड सीईओ हैं। सो आगे बढ़ते हैं और अब मिस्टर तमेश जी से पूछते हैं कि सर, तासीम के बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या बैकग्राउंड है और क्या आप अभी कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। तो तासीम एक ब्रांड हमने शुरू किया था जी। जो नाम ओरिजिन है TASIM, तो TA मेरा नाम है तमेश, सिस्टर का नाम है सिमरन, तो वहाँ से वो नेम ओरिजिनेट हुआ था। एंड वेन वी स्टार्टेड द चैनल, द कॉन्सेप्ट, हमारे रजौरी में कॉम्पिटिशन उस हिसाब से कम था जो हमारा कुजीन था। ओके, तो वी वर द फर्स्ट वंस टू इंट्रोड्यूस सुशीज एंड मोमोज एंड डिमसम्स एट वंस इन रजौरी गार्डन। ओके, तो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि ये कुजीन खोलना है हमको एंड यहाँ पे खोलना है। वैसे आज से 3 साल पहले वी स्टार्टेड। तमेश जी, थोड़ा सा ये बताइए कि हमारे व्यूअर्स को, सभी को, कि अभी कितने आउटलेट्स हैं आपके या फिर कितने क्लाउड किचन्स आप रन कर रहे हैं पैन इंडिया? अभी हम फिलहाल 4 क्लाउड किचन्स रन कर रहे हैं। ओके, इसमें से 2 दिल्ली में हैं और 2 हैदराबाद में हैं। अच्छा, अभी हम वी आर कमिंग अप विद 2 मोर आउटलेट्स क्लाउड किचन बेस्ड इन चेन्नई ओनली, चेन्नई में। तो अभी हम फिलहाल 3 स्टेट्स में अवेलेबल हैं। मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्लाउड किचन के क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम डाइनिंग एंड QSR से अगर इसको कंपेयर करें तो, क्लाउड किचन को, तो आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट्स हैं? देखो, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, स्टार्टिंग विद आपका ROI। ओके, आपका रेंटल कम है आपका, क्योंकि आप सेकेंडरी लोकेशन भी, आपको मेन रेडियस कवर करना होता है, तो आप वो सेकेंडरी लोकेशन से भी कवर कर सकते हो, आपको मेन रोड पे होके रहना जरूरी नहीं है, तो आप उसका वो बेनिफिट है। आपका स्पेस भी थोड़ा छोटा रख सकते हो, तो आपको बस किचन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से आपका रेंटल्स कम हो जाता है। आपका रेंटल्स कम है तो ओवरऑल आपके मार्जिन्स बढ़ते रहेंगे, तो वो एक बेनिफिट है। दूसरा, आप एक किचन से मल्टीपल आउटलेट्स चला सकते हो, मल्टीपल लिस्टिंग्स चला सकते हो, सो दैट ऑल्सो आपका, जैसे अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोला, आप यहाँ इंडियन या चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोलोगे, बट आप क्लाउड किचन में आप साथ में 2-2 चीज़ें खोल सकते हो, तो उसका भी आपका रिटर्न्स बढ़ सकता है। तमेश जी, थोड़ा सा ये बताइए कि क्या आप सर्व कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए, क्या मतलब कुछ अलग है? मैंने मेनू अभी देखा था, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि जब हमारे साथ ऑनर हैं तो मैं चाहूंगा कि वही हमें मेनू को ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएं। तो हमारा जो मेन्यू है वो डिजाइंड है यूनिक वे में जो सबको केटर करता है। ओके, एक स्टूडेंट को मोमोज नूडल्स चाहिए वो से लेके एक सुशी चाहिए जो एक अलग ही कैटेगरी आ जाता है। ओके, सुशी मेन्यू मार्केट में अगेन बहुत कम जगह है और मोमोज भी है जो मिला के बहुत कम लोगों के पास है, तो हमारा एक ऐसा मेन्यू है जो हर एज ग्रुप, हर पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट करता है। ओके, मेन कोर्स चाइनीज से लेके जापनीज, थाई और थोड़ा बहुत बर्मीज, सब मिला के हमारा एक कुजीन, हमारा एक मेन्यू बनता है। मैं ऐसा नहीं छोड़ा कि स्टूडेंट क्राउड नहीं मिस किया हमने, एलीट जो 45 के ऊपर का क्राउड है नहीं मिस किया। जो आजकल का यंग जनरेशन है वो चाहता है कि मैं नया फूड खाऊं जी, जो मार्केट में नई चीज़ें वो खाऊं, तो उनको भी हमने मार्केट में ध्यान रख के पूरा एक मेन्यू ऐसे क्यूरेट किया है। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और तमेश जी से जानते हैं कि कितने फ्रेंचाइज के मॉडल्स हैं। सर, थोड़ा सा बताइए। हमारे पास अभी 3 मॉडल्स हैं फ्रेंचाइज के। ओके, वन इज क्लाउड ओके किचन, वन इज QSR ओके, और वन इज CDR कैजुअल डाइनिंग के हिसाब से। जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है तीनों मॉडल्स में फ्रेंचाइज के, क्या इन्वेस्टमेंट लग जाती है? मतलब जो क्लाउड किचन मॉडल है उसमें करीब 12-15 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एंड जो CDR है वो 15-20 लाख का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एंड सॉरी QSR जो है वो 15-20 है। ठीक है, एंड जो कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट आता है वो करीब 22-25 तक, छोटे अराउंड 1000 square feet रेस्टोरेंट, 1000 में 1000 square feet रेस्टोरेंट तक बन जाता है, अराउंड सम तो 30-40 सीटर।
अच्छा, और ये तीनों फ्रेंचाइज मॉडल्स में हमारी क्या फ्रेंचाइज फी रहने वाली है वो भी बता दीजिए थोड़ा। जो क्लाउड किचन है उसमें फ्रेंचाइज फी अराउंड 2 लाख रहती है। ओके, और बाकियों में करीब 3.5 लाख। सर थोड़ा सा ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि रॉयल्टी का भी कुछ मॉडल है तीनों मॉडल में? तीनों मॉडल में 6% ऑफ द रेवेन्यू हम रॉयल्टी लेते हैं। अच्छा, 6% आप उसमें चार्ज करेंगे, ठीक है। तो कोई इन सब चीजों से जो फ्रेंचाइज फी हमने ली या इन्वेस्टमेंट से अलग कोई डिपॉजिट भी हम चार्ज कर रहे हैं फ्रेंचाइजी से? नहीं, डिपॉजिट हम चार्ज नहीं कर रहे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने सारे मॉडल्स को भी इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर ही लिया है। अब तमेश जी से जानते हैं कि कुछ स्पेशल भी है क्या अगर किसी की कम इन्वेस्टमेंट है और कम बजट में कोई अभी स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, बाद में ग्रो हो सकता है और बड़ा सब कुछ खोला जा सकता है, क्या लेस इन्वेस्टमेंट में कुछ अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए? तो हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको स्पेस भी छोटा चाहिए, वेरी गुड, आपको स्किल्ड लेबर कम चाहिए। अच्छा, क्योंकि सारा काम हम यहाँ से करके देते हैं, उसमें लिमिटेड मेन्यू रहता है, छोटा सा मेन्यू, सारा फ्रोजन आइटम्स हम करके देते हैं। अच्छा, और हम आपको भेजते हैं, आपको सिर्फ उसको स्टीम करके ख़त्म कर देना है, फिनिश कर देना है प्रोडक्ट एंड सर्व करना है। तो उसमें लिमिटेड मेन्यू होगा क्या? हाँ, उसमें आपको सिर्फ समझो 30 से 35 आइटम होंगे मेन्यू में। अच्छा, और वहीं पर आपका थोड़ा सा बताना चाहेंगे कौन सी? तो उसमें मोमोज रहेगा, स्प्रिंग रोल्स रहेगा, फ्रोजन बाओ रहेगा और डिमसम रहेगा। डिमसम्स और मोमोज, वही अपना मोमोज में अगर फर्क बताएं तो मोमोज अपना मैदे से बनता है। अच्छा, लिमिटेड लोग सस्ते हो जाते हैं थोड़े प्राइस, मार्केट बहुत बड़ी है उसकी, हर जगह डिमांड में रहता है। डिमसम्स थोड़ा एलीट प्रोडक्ट आ जाता है जहाँ पे वो पोटैटो स्टार्च और वीट स्टार्च से बनता है, वो काफ़ी लाइट होता है, तो डाइट लोग हो या जिसको मैदा नहीं खाना उनके लिए काफ़ी अच्छा आइटम है, तो वो मार्केट भी हम कवर करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगी और क्या उसमें फ्रेंचाइज फी है? तो ये मॉडल है वो एक होम शेफ भी कर सकता है, एक छोटा स्पेस जिसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किचन है वो भी अपने में ऐड कर सकता है। तो उसमें क्या रहता है, जिसका सेटअप हुआ हुआ है उनको इक्विपमेंट सेटअप तो नहीं चाहिए, सिर्फ एक फ्रेंचाइज फी लेते हैं हम एंड हम सप्लाई करते हैं। इसमें हम रॉयल्टी भी नहीं लेते, बिकॉज जो सारा सामान सप्लाई करते हैं उसी को हम एज अ प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, तो अराउंड अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट देखें तो 2 से 2.25 लाख में ये मॉडल रेडी हो जाता है, इंक्लूडिंग फ्रेंचाइजी फी। फ्रेंड्स, तासीम के बारे में सारी इन्वेस्टमेंट आपको बता दी है, और अगर आप तासीम की फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हैं, क्लाउड में, QSR में, किसी भी डाइनिंग में, किसी भी मॉडल में आप अगर इंटरेस्टेड हैं, तो मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा दिखाई दे रहा होगा, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है franchisepedia.co.in, आप जाकर भी विजिट कर सकते हैं और बाय अ फ्रेंचाइज पर अपनी डिटेल को फिल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर आप तासीम की फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तमेश जी, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि क्या प्रॉफिट रहने वाला है अगर कोई क्लाउड खोलता है आपके साथ मिलके, तो क्या उसका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा? सी, नेट प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 20-25% रहता है। नेट प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस की बात करें तो अराउंड 70% तक ग्रॉस मार्जिन रह जाता है। ओके, इन द फूड इंडस्ट्री, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ जो नेट है वो 20% के आसपास रहता है मंथ ऑन मंथ। तो जैसे जैसे आपका सेल बढ़ेगा आपका नेट प्रॉफिट उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। तमेश जी, थोड़ा सा ये बताइए व्यूअर्स को कि ROI का क्या प्रोजेक्शन है? सो प्रोजेक्शन, जैसे अगर क्लाउड किचन की बात करें, आपका इन्वेस्टमेंट 10 से 12 लाख है जी, तो आपका जो रिटर्न्स आते हैं करीब 1.25 साल में आते हैं, 1 year to 1.2 years, तो करीब 14-15 months में आपका क्लाउड किचन का ROI आइडली आ जाना चाहिए। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। और सर, जो अपना QSR मॉडल है और डाइनिंग वगैरह, उनके बारे में बताइए कि क्या रहेगा? तो QSR और डाइनिंग दोनों ऑलमोस्ट 1.5 से 2.5 साल में आपको रिटर्न मिलेंगे, फ्रॉम ऑलमोस्ट 18 months to 24 months। अच्छा, आपको रिटर्न्स आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताइए कि मतलब क्या कंपनी सपोर्ट देगी अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ेगा, तो उनको क्या क्या कंपनी सपोर्ट देगी फ्यूचर में और अभी खोलने से पहले? सो खोलने से पहले पूरा स्टाफ मैनेजमेंट, स्टाफ हायरिंग, इक्विपमेंट्स परचेजिंग, प्रोक्योरिंग, सारा कंपनी के हिसाब से ही रहता है। ठीक है, इवन स्टाफ की ट्रेनिंग एंड रेसिपी जो हम देते हैं वो सब एक सेंट्रल ही रहता है। ऑल्सो हम सेंट्रली मैन्युफैक्चर करते हैं अपने मोमोज एंड डिमसम्स और स्प्रिंग रोल्स और बाओ, जो कि आपको स्टाफ के एंड पे वो आपको कम स्टाफ रख सकता है, बिकॉज आपको सिर्फ फ्रीजर से निकाल के स्टीम करके देना है, वो सारा सेंट्रली टेस्ट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से हम ही बना के भेजते हैं जी। तो आपका जो रॉ मटेरियल का और स्टाफ का खर्चा है वो भी कम होगा, वो हम सेंट्रली हर जगह भेजते हैं।
तो ऑल्सो हम डिजिटल मार्केटिंग सेंट्रली प्रोवाइड करते हैं सारे आउटलेट्स का, एंड उसके कॉस्ट भी सबका वही डिवाइड हो जाता है, इज नॉट दैट कि आपको अलग से खर्चा करना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग का जी। एंड स्विगी जोमैटो का भी एक पॉइंट है, हम ऐसे अगर रजिस्टर्ड हम ब्रांड है विद मल्टीपल आउटलेट्स, हमारा जो से अपना परसेंटेज है विद स्विगी जोमैटो वो रिलेटिवली कम है देन दी सिंगल सिंगल आउटलेट्स अगर आप नया खोलते हो, तो उसका भी 2-2% का भी काफ़ी मेजर फर्क पड़ जाता है इन द लॉन्गर रन इन द क्लाउड किचन बिजनेस। लोकेशन भी अगर आप देखो प्राइम, हम आपको पूरे डिटेल्स एंड डेटा के साथ कि ये प्राइम लोकेशन अच्छा है, आप यहाँ पे ये कुजीन खोल सकते हो, आपको यहाँ पे सेल्स कैसे आएंगे, स्विगी जोमैटो में सेल्स कैसे बढ़ाने हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट सेंट्रली कैसे रहेंगे, हाउ टू इंक्रीज द सेल्स ओवरऑल इन offline and online platform, we help in that case also, okay. So that we have everything advertised and marketed centrally. तमेश जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने इतना टाइम दिया हमें, और अगर आप दो लाइन कुछ कहना चाहते हैं तो ऑडियंस को कह सकते हैं। थैंक यू गुरदीप जी फॉर थैंक यू कमिंग हेयर एंड शूटिंग, और आपको कोई भी अगर फ्रेंचाइज की अपॉर्चुनिटी हो, आपको इंटरेस्ट हो ब्रांड में, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट गुरदीप जी एंड ही कैन टेक थिंग्स फर्दर फ्रॉम देयर जी। एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर आउटलेट, थैंक यू सो मच। और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर आप भी कह दीजिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल जी। थैंक यू एंड गेट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस दैट।